ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं हरिहर काका का पेज नंबर 14। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे थे विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजे के नाम लिखते। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी। गिद्ध, गिद्ध एक पक्षी है, वल्चर, जिसकी जो नज़र है वो बहुत तेज़ होती है, उसी के लिए कहा गया है। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब बस यही एकमात्र रास्ता रह गया था। सुबह, दोपहर, शाम, रात तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ इनकार कर जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लगाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण किया जो रूप महंत और उसके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें उनके वही भाई, अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपने अभिन्न समझते थे, मतलब अपने साथ का ही समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागज पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान लगाकर चलते बनो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब मृत्यु को लेने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हो गए। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, यह ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रामेश्वर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रामेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में उसका खूब आदर सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दूर दूर खाना देने उन्हें अखड़ने लगा। अंत में उसकी मृत्यु, उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं। हरिहर काका को लगता कि अगर रामेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक उसके पाँव पखारते होते, मतलब उसका सम्मान करते वो लोग, अगर उसके पास जमीन जायदाद होती। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक घूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंसकर लिखो या रोकर। तो इस तरह से जो हरिहर काका है वो कहते हैं मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन सभी रिश्तेदार और उनके भाई जो है वो कहते हैं तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हुई, यानी लड़ाई शुरू हुई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार करने पर भी वे प्रहार करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया तो मुँह को उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तक्षण यानी उसी समय उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। ठाकुरबारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और नाते रिश्तेदार के लोग गाँव के लोगों को समझा देते कि परिवार का निजी मामला है, इसे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने तत्परता और फुर्ती दिखाई, काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई। वह पुलिस को की जीप के साथ आधम के पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म, घर की तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस अवस्था में ठाकुर बारी में उन्हें बरामद किया गया था। तो भाइयों ने भी जो हरिहर काका हैं उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया।
बंदर मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं और उन्हें खूब मारा पीटा है कि उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी और अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ माथे और पाँव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे यानी चोट लगी थी। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिड़कते उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए, मतलब गायब हो गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के दो व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए यानी भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफल पुलिस के चार जवान मिले, हालांकि इसके लिए उनके भाई और महंत जी की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों की चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे और यही चिंता महंत जी की थी। हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर ने अपनी सुरक्षा के पुलिस की मांग की तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाई और महंत जी ने पैरवी करने लगे और पैसा खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के चार जवान तैनात कर दिए गए, तो उसको 4 जो है पुलिस के लोग मिले जो उनकी सुरक्षा करते थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रहकर रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दोनों बल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक और नेता जी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। राजनीति की जादू छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गाँव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आए। एक दिन गांव की चर्चा का केंद्र है इन दिनों गांव की चर्चा का केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा होती है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा, दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज करवाया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन या उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति के बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर तो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उंगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता। आशंकाएं यानी जो सवाल थे वो खड़े रहते हैं, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इस तरह से हरिहर काका की ज़मीन जायदाद के लिए पूरे गांव भर में चर्चा होती है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने अब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च डालकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद भी उन्हें हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, बात ही आगे नहीं बढ़ती। दूसरी ओर खबर आती है हरिहर मरेंगे
तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदियां बहेंगी, मतलब उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को लेने के लिए लोग लड़ेंगे। एक तीसरी खबर आती, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघा खेतों में से 5 बीघ बुट्टन लेगा और दखल करा लेगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामलों में बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, मतलब सब लोग उससे डरते हैं। एक चौथी खबर आती कि महंत जी ने निर्णय लिया है, हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावह खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया, यानी पूरे के पूरा आकाश ढक गया। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। सबके मन में यह बात थी कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं है, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में गांव आ जाता है। इस वक्त क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गाँव इसकी चपेट में ही आएगा। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, मतलब वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि क्या होगा। एक दिन एक ऐसी प्रतीक्षा जिससे झुटलाकर भी उनके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और फिर हरिहर काका, वह तो बिल्कुल ही मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं, मतलब वो चुप हो जाते हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहें तो मौत से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं मिलता। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। तो अभी उन्होंने बोलना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। पुलिस के जवान हरिहर के खर्चे पर ही मौज मस्ती से रह रहे हैं, जिसका धन वह उसे उपास और खाने वाले करें विलास, मतलब जिसका पैसा है वो तो उपवास कर रहा है, उपवास मतलब फास्टिंग कर रहा है, और जिसका नहीं है वो वहाँ उसके खाने के ऊपर विलास कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। तो इस तरह से पुलिस वाले हैं उनकी मौज हो जाती है और हरिहर काका जो है वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।